हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना और वीडियो को सबके साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि आप अपने सप्लीमेंट को, अपने प्रोडक्ट को कैसे पहचानोगे कि आपका प्रोडक्ट फेक है या आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है। मैंने आपको 9 इजी ट्रिक्स बताए थे, आप उनसे पता कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट फेक है या ओरिजिनल है। अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लो। और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल कलर का बटन है, इसको तोड़ दो और वो बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसी अमेजिंग वीडियोस अपने आप तक पहुंच जाएंगी, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हमारे पास जब कोई भी प्रोडक्ट आता है तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट फेक है या हमारा प्रोडक्ट ओरिजिनल है। मैंने बहुत ही इजी टिप्स बताई थी आपको कि आपको कैसे पता करना है अपने प्रोडक्ट का ओरिजिनलिटी ऑथेंटिकेशन के बारे में। और ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांड का प्रोडक्ट लेके आऊँगा, लाइव डेमो दूंगा, उन्हीं टिप्स से आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट फेक है या एक प्रोडक्ट ओरिजिनल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों में और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही बड़े ब्रांड, बहुत ही बड़े इंपोर्टेड ब्रांड के प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने वाले हैं हम लोग आज। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देता हूं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले मेरा एक दोस्त था, उसने किसी ऑनलाइन साइट से वे प्रोटीन ऑर्डर किया और उसकी सील फटी हुई थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे मुझे पता चल गया कि ये प्रोडक्ट फेक है। उस टाइम पे मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बनाता था तो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं किया हमने और हमने फटाफट वो प्रोडक्ट रिटर्न बैक कर दिया और हमें शांति मिल गई। फिर मैंने उसको एक ओरिजिनल प्रोडक्ट अपने किसी नॉन से जो स्टोर था, ऑथेंटिक प्रोडक्ट उसे दिला दिया और वो मैटर वहाँ पर क्लोज हो गया। पर एक बार अब फिर से ये चीज़ हुई है। हुआ कैसे कि किसी मेरे दोस्त ने मुझसे एक वीक पहले प्राइस पूछा कि भैया ओन का क्रिएटिन क्या प्राइस में है। तो मैंने उसे बताया कि भाई अभी फ़िलहाल वैसे तो मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है काफ़ी जगह पे, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है क्रिएटिन का वो बहुत शॉर्टेज हो रही है, पीछे से रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारी जो ब्रांड है, इंपॉर्टेंट ब्रांड है, उनका क्रिएटिन नहीं आ रहा है और जिसके पास है भी, पुराना स्टॉक भी बचा हुआ है या है भी किसी के पास अगर उनका क्रिएटिन, तो वो आपको 1000 या 1100 रुपये में मिल जाएगा। तो उस बंदे ने 2 दिन तक मुझसे कोई बातचीत ओके बोल के छोड़ दिया। अब उसने 3 दिन बाद मुझसे फिर से पूछा कि भैया मुझे तो मैंने ऑर्डर कर दिया उनका क्रिएटिन और मुझे मिल रहा है 600 रुपये में। ये चीज़ सुनते ही मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग लगाया, मखा भाई लुट गया, क्योंकि भाई ओन का क्रिएटिन, ओन का क्या, कोई भी ऑथेंटिक इंपॉर्टेंट ब्रांड का क्रिएटिन 600 रुपये में तो आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में इतनी शॉर्टेज चली, रॉ मटेरियल है ही नहीं, 600 में तो आ ही नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में पहले ही आ गया कि भाई प्रोडक्ट ले लिया भाई ने फेक। फिर मैंने सोचा मगा कोई नहीं, आने दो, जब तक इसे ठोकर नहीं लगेगी तब तक ये नहीं समझेगा, तो इसको आने दो, ठोकर तो क्या ही लगनी है, खरी से हम वापस भी कर देंगे, ऐसे मैं इसका नुकसान नहीं होने दूंगा पैसे का भी और किसी भी चीज़ का। तो भाई ने वो प्रोडक्ट मंगवा लिया और ये रहा वो प्रोडक्ट, ये ध्यान से देख लो, इसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। जिन लोगों को पता है ब्रांड्स के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, वो सिर्फ इसका कलर देख के और इसकी शेप देख के समझ जाएंगे कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ओन का क्रिएटिन है। सब लोगों को पता चल गया होगा, दिखा दिया मैंने ओन का क्रिएटिन। तो इस भाई के पास ये आ गया अब 600 रुपये में ओन का क्रिएटिन। तो अब आपको जो पिछली वीडियो में मैंने टिप्स बताई थी कि हम कैसे चेक करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फेक है या ओरिजिनल है, तो भाई देख लो, इसके पहले ही देख लो आप इसके ये स्टिकर जो है इसका फट रहा है पहले ही। और भाई जो ओरिजिनल ओन का प्रोटीन होगा ना, उसमें आप खा के 5 साल तक आटा रख लेना, आटा नहीं फटेगा, उसका जो स्टिकर होता है वो भी नहीं फटेगा, आटा डाल लेना उसमें 5 साल तक। इसका बारकोड देखो आप, बारकोड में इसमें आपको डबल कलर देखेगा, ध्यान से देखोगे तो इसमें ब्लूइश कलर है, मैंने तो खैर चेक किया है इसमें ब्लूइश कलर है, ये जो इसका लाइनिंग वाला कोड है और ये वाला इसका बारकोड है, ये मैंने सर्च किया, इस पर कुछ भी नहीं मिला। अब आपको दिखाता हूँ इसके पोस्टर पे मिसमैच न्यूट्रिशन वैल्यू, यहाँ पे आप देख रहे होगे 57 सर्विंग्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे 87 सर्विंग्स हैं। भाई कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रांड ऐसा कर ही नहीं सकती है, देख रहे हो हालात। और इसका कलर देख लो आप दोस्तों, थोड़ा फेड है, जो ओरिजिनल वाला आता है उसका कलर थोड़ा सा और ब्राइट होता है और अच्छा होता है। और ये जो शेप है अभी
अभी इंडियन मैन्युफैक्चर आ रहा है उनका क्रिएटिन, उसकी जो शेप है वो अलग है, वो बिल्कुल राउंड डिब्बा है। अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, आप देख लेना आराम से ओरिजिनल क्या होता है। तो ये शेप पहले आती थी और इन्होंने पूरा US मेड लिख दिया, US मैन्युफैक्चर लिख दिया सारा सब कुछ। और इसकी सील देखो, कोई इस पर ओन की सील नहीं है, कोई इस पर टैग नहीं है, कोई इस पर इम्पोर्टर टैग भी नहीं है। सब चेक कर लिया, देखो कितने तरीके, कितनी चीज़ें बता दी। अगर इनमें से एक भी नहीं मिलता है ना हमें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट है तो, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए हमें। और ये देखो इसकी जो सील, ये जो एक्सपायरी वाली सील है, ये देखो आप ध्यान से देखो इसको, ये भाई ऐसे है कि इसके हाथ से भी मिटा सकते हो आप, वरना मैक्सिमम इम्पोर्टेड ब्रांड्स में ना जो डब्बा है उसके अंदर गुदी होती है सील, ये देखो इसको हाथ से भी मिटा सकते हो आप, ये है, ये हालात हैं इसके। तो भाई इसकी बिल्ट क्वालिटी देख लो कैसे ये दब रहा है, तो ये है इसकी। तो ये सारी चीज़ें देख लो आप, इसको आराम से देख के आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही आप भी पता कर सकते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है या आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिला है। तो कोई भी प्रोडक्ट आता है तो पहले उसको चेक कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि खोलने के बाद कोई भी स्टोर वाला वापस नहीं लेगा और कोई भी ऑनलाइन साइट वाला भी मुश्किल ही वापस लेगा। तो भाई इस प्रोडक्ट की अथेंटिसिटी चेक करने के लिए हमने सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें चेक की, और ये प्रोडक्ट एक भी चीज़ पे खड़ा नहीं उतरा, पूरा फेक, प्रॉपर फेक। अगर एक भी चीज़ सही नहीं है तो मतलब ये फेक है। वो सारी चीज़ें जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई वो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट में, अथेंटिकेटेड प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अब इसका जो बंदा है, जो स्टोर जहाँ से इसने लिया है, उस बंदे का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये भाई जिसने ये प्रोडक्ट लिया है वो मना कर रहा है कि भाई मेरे को कोई भी लीगल चीज़ों में नहीं पड़ना है, केस वेस में नहीं फंसना है, बस आप इसको रिटर्न करवा दो और मेरे को ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखवा दो। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये भाई दोस्तों हेल्थ का भी सवाल है और आपके पैसे का भी नुकसान है। हेल्थ का सवाल इसलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, इसमें क्या मिला हुआ है। मेरे भाई इसमें आटा भी हो सकता है, इसमें कोई हैवी मेटल भी हो सकते हैं, इसमें डेक्सोना भी हो सकती है, डायनाबोल भी हो सकती है, जो लॉन्ग टर्म आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। भले ही आपको रिजल्ट मिल जाए 600 रुपए के क्रिएटिन में, जरूरी नहीं है, रिजल्ट तो मिल ही जाते हैं, पर भाई इसमें मतलब यही नहीं पता यार क्या चीज़ क्या खा रहे हैं, वो 600 रुपए हमने किस चीज़ के दिए हैं। सिर्फ 100-200 रुपए के चक्कर में आप पता नहीं क्या खा जाओगे थोड़ी सी। भाई अगर पैसे नहीं है ना तो सप्लीमेंट मत खाओ, सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं, आप सबको पता है यार, सप्लीमेंट इतने सस्ते नहीं है। वे प्रोटीन को देख लो आप, कहाँ कहाँ से कहाँ कितना प्यूरीफाई होता है, बड़ी बड़ी मशीनों में जाके प्यूरीफाई होके पैक होके कहाँ से आता है, इम्पोर्टेड टैक्स, ये टैक्स सबका मार्जिन मिला के तो महंगा होता है। 1500 रुपये 2 किलो जो आपको दे रहे हैं ना प्रोटीन, तो वो प्रोटीन मत खाओ, आप कॉमन सेंस लगाओ, वो फेक है। जो जिस चीज़ की मार्केट में जो वैल्यू, प्राइस वैल्यू है ही नहीं और वो आपको मिल रही है, तो मतलब वो फेक है। अब 500-600 रुपये में ओन का क्रिएटिन मैन्युफैक्चर अमेरिका में होके आपको यहाँ पे इंपोर्टर से लेके सबका मार्जिन मिला के होम डिलीवरी आपको आ रहा है 600 रुपये में, तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, मोटे दिमाग के मत बनो, सारा दिमाग वहाँ जरूरी नहीं है, और हर आदमी को बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत नहीं है यार। आप जिम जाते हो, जिम जाते ही शुरू कर देते हो भाई क्या प्रोडक्ट खाऊं, क्या ले लूं, क्या कर लूं, ज़्यादा जल्दी में मत रहो। जितनी जल्दी करोगे बॉडी बनाने की उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। बॉडी बिल्डिंग भाई टाइम पीरियड का चीज़ नहीं है कि मतलब 3 महीने आया बॉडी बना ली और मतलब निकल गया, ये एक लाइफ स्टाइल है, लोग इसको लाइफ स्टाइल के लिए ही जीते हैं। और पहले बॉडी बिल्डिंग एक गेम था, अब आप लोगों की वजह से ये बॉडी बिल्डिंग ना फैशन हो गया। जो भी आता है जिम में भैया मतलब एकदम बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट सब कुछ उसको चलाना, साइकिल तक भी वो पता कर लेते हैं, भाई स्टीरॉइड साइकिल भी चलवा दो हमारा, बॉडी बनाने के लिए कुछ भी करवा दो। भाई मेरे आपका प्रोफेशन अलग है, आप फिटनेस के लिए जिम में आए हो, आप यूट्यूब वाले भैया को फॉलो मत करो कि यूट्यूब वाले भैया कौन से सप्लीमेंट खा रहे हैं, यूट्यूब वाले भैया क्या डाइट ले रहे हैं। आप एक अच्छे कोच के अंडर उस पर विश्वास रख के अपना गोल बताओ, आपको कौन सा गोल फॉलो करना है, आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से आप डाइट सप्लीमेंट जो भी चीज़ आपको ऐड करनी है। और मैं तो बोलूँगा सप्लीमेंट को मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ, आप कोशिश करो सॉलिड अपनी जो नेचुरल डाइट होती है उससे आप अपने जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी करो, सप्लीमेंट्स आपको ज़रूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट भाई बहुत लेवल के जो एडवांस एथलीट हैं जिनको कंपटीशन खेलने हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं हो पाती है, उनको रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ती जाती है, बॉडी एक लेवल पर जाकर रिजल्ट देना बंद कर देती है, इसलिए एडवांस लेवल पर जाना पड़ता है। तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग में मत घुसो सब लोग, हर एक आदमी बॉडी बिल्डर को फॉलो करके यूट्यूब से और वही चीज़ें मंगवा लेता है, वो आपको सूट भी नहीं करेंगी और आपकी बॉडी एकदम से उन चीज़ों को डाइजेस्ट भी नहीं करेगी। तो भाई यही रिक्वेस्ट है कि पहला तो आप सब बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बिल्डर बनने मत आओ जिम में,
और सबसे दूसरी चीज ये है कि टाइम पीरियड को लेके मत आओ कि 2 महीने जाऊंगा और बॉडी बना लूंगा जिम में। ये एक लाइफ स्टाइल है यार, आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, अपनी मसल्स को ट्रेन करते हुए इंजॉय करना पड़ेगा इस चीज को, मजा लेना पड़ेगा इस चीज का, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपको। जिम गया, वर्कआउट किया, मेहनत की, सेटिस्फाइड वो उस चीज के लिए आओगे, तब आपको एक अच्छा फील होगा और तब आप साइड इफेक्ट से भी बच जाओगे। जितने जल्दी में रहोगे, जल्दी में तो उल्टी पुल्टी चीज़ें खा के बॉडी बनाओगे, कोई भी गलत एडवाइस दे देगा मसल बिल्डिंग के लिए, ये टैबलेट खा लो वो खा लो, और आप खा लोगे लॉन्ग टर्म बहुत अजीब साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आपको बाद में पछताना पड़ेगा। और एक थोड़े से पैसे के लिए ना, जब पैसे है ही नहीं सप्लीमेंट के, भाई महंगे हैं ये, बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए अलग चीज़ों के लिए बने हैं ये, सबके लिए नहीं बने हैं, तो वो थोड़े से महंगे हैं, महंगा गेम है बहुत, मत करो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ज़बरदस्ती। पैसे हैं तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, अपने भैया जो घर पे बन रहा है वो खाओ, वो डाइट अच्छी करो वहीं से, उल्टा पुल्टा बाहर का खाना छोड़ दो वहीं से, मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, हार्डवर्क करो, बिलीव करो किसी कोच पे, किसी ट्रेनर पे, विश्वास से बॉडी बनती है, कुछ भी खाने से बॉडी नहीं बनेगी, किसी आदमी पे विश्वास करो, गुरु मानो उसको, ठीक है, तब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ वीडियो को, तो दूसरी यही चीज़ है भाई, हेल्थ का ध्यान रखो अपनी का, ठीक है, कुछ भी मत खाओ, और थोड़े से पैसों के लिए उल्टी पुल्टी चीज़ तो मत भी खाओ, और फेक चीज़ों से बचो। तो भाई ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है किसी ब्रांड का, बहुत सारे इम्पोर्टेड ब्रांड हैं आजकल, इंडियन ब्रांड्स के भी जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आने लग गए, जो ब्रांड अच्छी चल जाती है उसी का डुप्लीकेट उतार देते हैं मार्केट में। तो ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट, और बहुत सारे लोगों को फेक प्रोडक्ट जा रहे होंगे, पर जिसको पता ही नहीं होगा उसने तो फेक प्रोडक्ट खा भी लिया होगा और खा भी रहे हैं। ये देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कहीं से भी हाथ में ले, अरे भाई साहब पाउडर उड़ रहा है इसका, बिना सील, ये सील लगी हुई है इसके ऊपर, एक पॉलिथीन लगी हुई है देख सकते हो, उसके बिना ही इसका पाउडर उड़ रहा है, देखो सी। तो ये हालात है मेरे भाई, ये चीज़ मिल रही है मार्केट में 200 रुपये के चक्कर में, क्या खा रहे हो ये तो देख लो, कुछ भी टैक्सोना मिला होगा इसमें, डायनाबोल मिक्सर हो सकता है इसमें, रिजल्ट तो भले ही मिल जाएंगे पर उसके साइड इफेक्ट एक बार पढ़ लेना, डेक्सोना है वो, जो भी डायनाबोल, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, हैवी मेटल्स हो सकते, कुछ भी हो सकता है, मतलब ठीक है हमें पता ही नहीं एक्चुअली क्या खा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सोच के देखो कुछ भी में क्या क्या चीज़ें आती होंगी। तो भाई इन चीज़ों से तो बच जाओ प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, हेल्थ का सवाल है, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो है उसको वार्निंग में रिटर्न में किसी न किसी तरह इसके शोर वाले कुछ न कुछ तो उसको दिलवाऊँ। अभी ये भाई मेरे को मना कर रहा है, नहीं तो मैं तो ओपनली उसका नाम भी और उसके खिलाफ़ सब कुछ करने वाला था, तो ये भाई बोला नहीं यार मेरे को ये लफड़ा नहीं चाहिए केस वेस का मेरे नाम पे कुछ, मतलब तो इसको नहीं चाहिए कुछ भी, तो बट सारी चीज़ें ठीक है। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके साथ धोखा होता कैसे है, क्या गलतियां आप लोग करते हो कि फेक माफिया आपको फंसाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे फेक माफिया अपना जाल फैला रहा है, कैसे फेक माफिया आप लोगों को फांसता है, कैसे आप लोगों को पकड़ता है और आप लोग जल्दी पकड़ में आ जाते हो। तो अब इस वीडियो को भी शेयर कर देना, और अगली वीडियो के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो कि अगली वीडियो जैसे ही आप लोगों तक तो पहुंच जाए, और जैसे अच्छी वीडियोज आती हैं उनको शेयर किया करो अपने दोस्तों में। देखो मतलब ये ऐसी वीडियोज है, ये लाइव डेमो है चीज़ों का, कोई नहीं बताएगा, ऐसी चीज़ें हैं कहीं पता नहीं चलती है चीज़ें, लाइव बता रहा हूँ सारी चीज़ें, एकदम सब कुछ सच बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, आपको पता है लास्ट वीडियो में इतनी अच्छी चीज़ें बताई, यहाँ पे लाइव डेमो दे दिया, अगली वीडियो में बिल्कुल प्रॉपर बताने वाला हूँ कि धोखा होता कैसे, आप लोगों के साथ कैसे फंसते हो। तो ऐसी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर किया करो, हेल्थ भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे, सही चीज़ खाओगे, ज्ञान होगा, नॉलेज बढ़ेगी सबकी। और अगर बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, कुछ मुझे अपग्रेड करना चाहते हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत आधी हो, कम हो, ज़्यादा हो, तो आप मुझे भी कुछ ना कुछ बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनी नॉलेज। इंस्टाग्राम सेम नाम से अकाउंट है, बुल फिटनेस ऑफिशियल, वहाँ पे फॉलो कर लो, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो भाई को, आराम से बात कर लो मेरे से, किसी को भी कोई पर्सनल 1-to-1 कैसा भी कुछ भी चाहिए, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की, जितना मेरे को एक्सपीरियंस होगा, जितनी नॉलेज होगी आप लोगों को बताऊंगा। तो यही कहूंगा कि भाई हेल्थ सबसे पहले है, बॉडी थोड़ी लेट बन जाएगी, थोड़े धीरे रिजल्ट आ जाएंगे, पर थोड़े से पैसे बेसक कम लगा लो यार, मत खाओ सप्लीमेंट, लास्ट में फिर यही बोलूंगा, सॉलिड डाइट पे फोकस करो, जो आपको एकदम मिल रही है प्रॉपर, जो भी नॉनवेज है, अंडे चिकन पनीर या जो भी आपको, जो वेज हो नॉनवेज, उस पर फोकस करो। सप्लीमेंट खा रहे हो तो भाई थोड़े से महंगे हैं, सच्चाई है ये, तो थोड़े से महंगे हैं तो थोड़े से पैसे लगेंगे, सही चीज़ खाओ, हेल्थ तो कम से कम लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होंगे, नहीं तो बहुत साइड इफेक्ट होते हैं इन चीज़ों के, जिसको हुए हैं उनको पता है। तो मेरे भाई ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो, काफ़ी सीरियस हो जाता हूँ मैं कभी कभी फीलिंग्स में बह के, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में,
आपको बताऊंगा कि कैसे होता है धोखा आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, सपोर्ट करो अपने भाई को। जय हिंद, जय भारत, लव यू।